ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की जंग सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी है। विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। पार्टियों का कहना है कि इस बार चुनाव में 50% ईवीएम और वीवीपैट के मतों की गिनती का मिलान होना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। आज सुबह न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों में गोलीबारी हुई। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 40 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है हमलावर हेलमेट पहनकर मस्जिद में घुसा और बंदूक में कैमरा लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हादसे के दौरान बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रही थी लेकिन वहां से सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रही। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को कस्टडी में लिया है। मुंबई के CST रेलवे स्टेशन के पास कल शाम एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज CM फडणवीस ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। इस बीच हादसे की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें BMC की लापरवाही साफ साफ पता चलती है। बताया जा रहा है ऑडिट के बाद BMC को कुछ सुधार करने को कहा गया था लेकिन उसे ठीक नहीं किया गया। पुल के गार्डर पर जंग लगी हुई थी, इस वजह से पुल नीचे गिर गया। कल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। बताया जा रहा है BJP केंद्रीय चुनाव आयोग समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। राहुल यहां रायपुर में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पर एक सेमिनार में शामिल होने आए थे। इस दौरान राहुल ने कहा, मैं स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण के विरोध में हूं। मैं अपने नेताओं से कहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता के प्रति संवेदनशील बने, आदिवासियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बने। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्री संत पर लगा आजीवन प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने BCCI से श्री संत को सुनवाई का मौका देने और 3 महीने में सजा तय करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि BCCI इस प्रतिबंध पर फिर से विचार करे और उन्हें ये फैसला 3 महीने में लेना होगा। कोर्ट ने कहा कि लाइफ टाइम बैन ज्यादा है। बसपा प्रमुख मायावती 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रैली करेंगी। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव उम्मीदवार हैं। 1993 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब मायावती मुलायम सिंह के लिए प्रचार करेंगी। इस बार अखिलेश यादव और मायावती कई साझा रैलियां करेंगे। 1 अप्रैल से देश के 3 बड़े सरकारी बैंकों का विलय होने जा रहा है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाएगा। विलय के बाद देना बैंक और विजया बैंक के खाता धारकों को नई चेकबुक पासबुक बनवाने होंगे। इसके लिए बैंक पर्याप्त समय भी देगा और खाता धारकों को पूरी मदद भी करेगा। आपको बता दें, बैंक बंद नहीं होने जा रहे हैं। GST की इंटेलिजेंस विंग ने टायर बनाने वाली कंपनियों पर छापेमारी की है। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों में GST ने 224 करोड़ रुपए की टैक्स धोखाधड़ी पकड़ी है। इसे 8 कंपनियों के एक समूह ने अंजाम दिया था। बताया जा रहा है इन कंपनियों ने 1,279 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाए थे। इस मामले में एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक बार फिर आतंकियों की भाषा बोली है। पाक रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने एक इंटरव्यू में करतारपुर कॉरिडोर के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि करतारपुर का नाम खालिस्तान स्टेशन रख देना चाहिए। पुराना शेख राशिद होता तो खालिस्तान स्टेशन रख देता। अब मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए इस पर मैं विदेश मंत्रालय से बात करूंगा। श्रद्धा कपूर बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया नेहवाल की बायोपिक में उनका किरदार निभा रही थी। इसके लिए काफी तैयारियां भी हो चुकी थी। हालांकि अब खबर आ रही है कि श्रद्धा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया है। श्रद्धा की जगह इस फिल्म में परिणीति लेंगी। इस पर श्रद्धा या साइना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।